ਪਿੱਤਰ ਕੁਛ ਦੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਨੇ ਪਾ ਗਿਆ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਖੀਚ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆ ਸਾਧਵੀ ਆਪਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਕੀ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਲਤਕਾਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਦਮ ਕੀ ਦੇਗੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕੀ ਦੇਗੀ ਮਨਾਵਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਗਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਚਾਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿਆ ਯਾਨੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ आदमी तो कपड़े तारे तारे थे इनकी तो लुगाई भी कपड़े तारे है ना वो उसकी दिल की आवाज हो है कुछ सोच के नहीं आते हम और यह आवाज आ रहे थे नहीं किसे बंद कमरे में शिक्षा डाल के कपड़े खींचे गए किसी बहन की कहीं चुनरी खींची गई 26 जनवरी ने और फिर एक मौका ऐसा आया बात ऐडे नहीं रुकी क्योंकि यह कमी मारा समाज में है मैं गुरुद्वारा में थोड़ी करूँ मेरे जड़े कमी ला के भी मैं वहां आने करने का काम कराया करूँ इसे करके मेरे कहने कम खड़े हो करे खिलाफ ज्यादा खड़े हो रहा है क्योंकि जो सच्चाई है उसे स्वीकार कर लेनी चाहिए यदि समाज उसे दिन शिक्षा डाल के ऊपर इस समस्या का समाधान कर लेता पूरा हरियाणा एक साथ खड़े हो जाता तो फिर ना तो दूसरी बेटी का बलात्कार हुआ था और फिर ना तीसरी का हुआ था तीसरी बात ही जो मेरा घर की बेटी थी जिसने एक सच्चाई के प्रतीक के प्रति सिर्फ एक आवाज उठाई थी कि किसी बहन बेटी की इज्जत ना ले पर उन लोगों ने क्या किया लगातार इस बेटी को 10 दिन ट्रोल किया सोशल साइट के ऊपर पर मैं डरती को नहीं क्योंकि हमने चूड़ी जरूर पह रखी है और वक्त आना पे तलवार का सिर तान का मौका देखा यह बात बिल्कुल भूल जियो कि कोई ऐरा गैरा नुए चूड़ी खींच कर दे और भीतर कुछ देगा जिस दिन अपना नहीं पाया गया भीतर तक खींच कर लियावेंगे हमें एक पे हरियाणा की पंचायत की खापा की और किसान की और अपना भाईचारा की बात लेकर मैं करे इसे करके चुपा नहीं तो एक साधवी आपने मेरा बा लगातार 10 दिन बरात की और मानसिक बलात्कार तक गुजरी हूँ मैं मेरा परिवार को टारगेट किया जा रहा है और जब मेरा मेरा खत्म की दे गई मेरा परिवार खत्म की दे गई मनावत तोड़ने की कोशिश की गई पूछा ना कि क्या खाने में तो मेरे खिलाफ अप्लीकेशन है के मारा कर दिया यानी सच बोलना गुनाह हो गया के आदमी तो कपड़े तारे तारे थे इनकी तो लुगाई भी कपड़े तारे है ये बात क्या है भीतर बढ़ जाओगे ना भीतर तक लड़कियां ने उठा उठा के ले जाएंगे वो तीन इंच ज्यादा दूर नहीं मेरी तो आप लोगों का जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस समस्या का समाधान कर लो और ऐसा समाधान कर लो कि एक के बाद निचोड़ हो जाए जब बुराई एक जगह लड़ सका है तो अच्छाई एक जगह खड़ी होकर क्यों नहीं लड़ सकती और मेरे पे कोई रुकी ये चार पत्रकार है नरवाना के जिंदी सच का साथ दिया अंकुर और है भाई आज भी ऐड मौजूद है और मैं कहूंगी मैं भाई भी अपनी आप बीती बताऊं मैं उनके के लंबी तरोग कर रहे बंदूक के दम पे वो अत्याचार किया तो सब नहीं होया करता तो आखिर एक बात बताओ आप लोगों की आवाज उठावेगा कौन जब पत्रकार तक शोषित होने लग रहे हैं इनका दौरा गन है इनका दौरा सत्ता है इनका दौरा शासन है इनका दौरा प्रशासन है पर हमारा दौरा हमारा समाज है और समाज का अगर ना एमपी ना एमएलए ना मुख्यमंत्री और जब मेरे खाके चौधरी में इतना जोड़ कर विनती करने जाऊं जड़ा न्याय हो जड़ा सत्य हो आप लोगों ने एकजुट खड़े होकर बोलना पड़ेगा जो कुछ असत्य है एक जगह खड़ा है फिर भी मेरे पे कोई गलती हो तो मैं माफी चाहूंगा और जो मेरी सरदारी मेरा समाज मेरा खाप जो भी फैसला लेगा मैं बिल्कुल तरमंदन से उचाना करना बिल्कुल तरमंदन से और हमारा समाज हमारी गढ़ रखा बिल्कुल तरमंदन से उसमें पूरा उतरने का काम करेगी और यहाँ आज एक बेटी नहीं हजारों बेटियों का शोषण होने लग गया है हर 12 मिनट में एक बलात्कार होने लग गया है तो मेरी तो इस समाज से विनती है कि इस समस्या का स्थायी समाधान कर लो कि इस सरकार को उखाड़ फेंको नहीं तो यार ऐसा सारे आपकी बहु बेटियां नहीं छोड़े बस मारा दो एक के समस्या का समाधान है ना रवे की बांस ना बाजे की बांसुरी एक साल बाकी रह गया एक गड़ा में किसी तरह आप लोग चढ़ जाओ न्याय न्याय में इनका भी तरह ना पीड़ो नहीं तो दोबारा अपना बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा जय हिंद जय भारत जय किसान मदर शक्ति मदर शक्ति पूरा शक्ति पूरा शक्ति नौजवान शक्ति ਮਾਰੀ ਖਾਪੇ ਮਾਰੀ ਖਾਪੇ ਸਿਉਕਤ ਮਾਰਚਾ ਸਿਉਕਤ ਮਾਰਚਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇਰੀ ਸੋਚ ਪੇ ਹਰ ਘਰ ਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਸੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਬ ਯੂ ਦੇਸ ਯੂ ਪ੍ਰਦੇਸ ਹਮਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਸੇਗੀ ਆਪ ਲੋਕ ਦਾ ਅਜੋੜ ਕਾ ਵਿਨਤੀ ਹੈ ਵਕਤ ਹੈ ਇਪੀ ਸਮਝੋ ਸੁਕੇ ਬਾਜਾ ਮਾਰ ਸੁਕੇ ਵਾਵਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਇਆ
जय हिंद जय जवान जय